हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरोजिता किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंटोले की मसालेदार सूखी सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और घर में सबको बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, ये सिर्फ बारिश के सीजन में मिलता है और प्रोटीन बहुत भरपूर रहता है, सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो जब तक मिले हमें खाना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो कंटोला बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए रेसिपी चालू कर दें। मैंने यहाँ कंटोला को पहले से ही धो करके साफ कर दिया था, जिससे मैं इसको काट लूँगी अच्छे से। मैं चार टुकड़े कर रही हूँ क्योंकि हमारा छोटा वाला कंटोला है, इसमें से दो कंटोला आता है, बड़ा साइज छोटा साइज। तो आप कोशिश करें कि छोटा वाला मिले, छोटा वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे ही मैं बाकी के सारे कंटोले को काट लूँगी। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने एक कंटोले को चार टुकड़े किया, अगर बड़ा वाला है तो आप पाँच छः कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कभी इसमें क्या क्या मसाले क्या सामान का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे लिया है प्याज दो बड़े साइज के, दो छोटे साइज के टमाटर, दो बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो तीन हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस में। मैंने यहाँ पर गैस पे रखा है कढ़ाई, कढ़ाई को गर्म करने के बाद इसमें डाला है दो चम्मच तेल। फिर इसमें हम डालेंगे अपना कटा हुआ कंटोला और इसको अच्छे से हम चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमें लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो एक साइड जल जाएगा और एक साइड नहीं पकेगा। इसे ही आप लगातार चलाते हुए भुनें। मैंने गैस पे मीडियम रखा है, अगर आपने हाई रखा है तो लगातार चलाए, मैंने मीडियम रखा है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा कंटोला थोड़ा कलर चेंज हो चुका है। ऐसे ही ऐसे ही एक दो मिनट और भूनूंगी जब तक हमारा कंट्रोलर थोड़ा कलर अच्छे से चेंज ना आ जाए हो जाए और जिसमें थोड़ा अच्छा ना लगने लगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कंट्रोलर का जो कलर है हल्का ब्राउन हो चुका है। इसमें बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि भून चुके हैं, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है वरना जल्दी होता टेस्ट खराब हो जाएगा। इसको बर्तन में निकाल लेंगे हम। और चलिए इसमें अपने हम मसाले तैयार करते हैं। मैं यहाँ पे गैस पर रखा है कढ़ाई, वही कढ़ाई करें फिर इसमें डालूंगी मैं पचफोड़ना। हमारे यहाँ पचफोड़ना बोलते हैं, आप जरूर बताए क्या बोलते हैं। इसमें जीरा और अजवाइन, कलौजी, सौंफ सौंफ है, पाँच चीज़ें से बना है इसके लिए पचफोड़ना बोलते हैं। फिर इसमें डालेंगे अपना हम प्याज, प्याज को हल्का गला लेंगे, हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। तो हमारा प्याज जो है थोड़ा सा गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपना कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च। अब दोनों को अच्छे से पका लेंगे जब तक कच्चा पन्ना निकल जाए। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपना टमाटर और टमाटर गलने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। नमक मैं इसमें स्वाद अनुसार ऐड कर रही हूँ अभी, अगर आपको थोड़ा ऐड करना है थोड़ा ऐड करें और बाद में ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार ही ऐड कर दिया है। चलिए अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा और काली मिर्च पाउडर। मैंने मिक्स पाउडर लिया है, सब कुछ अलग अलग है तो यूज कर सकते हैं, मेरे पास मिक्स था। अब मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे जब तक मसाले हमारे तेल ना छोड़ दें। दोस्तों बहुत खाने में टेस्टी लगता है कंटोला, तो आप ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देंगे अपना कंटोला। अभी इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, धीमी आँच हम एक दो मिनट ही पकाएंगे क्योंकि मैंने कंटोला को पहले से ही फ्राई कर लिया है। अब अच्छे से हम इसको चलाते हुए भूनेंगे दो तीन मिनट जब तक थोड़ा सा और कंटोला पक ना जाए और मसाले जो हैं अच्छे से अंदर तक ना चला जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कंटोला पक चुका है। इसमें हम डालेंगे आधी नींबू का रस, अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू का यूज़ किया है। फिर इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम गैस को कर देंगे बंद। बंद करने के बाद इसे हम दो मिनट ऐसे ही ढक कर छोड़ देंगे। इसमें से तैयार है हमारा कंटोले की सब्जी। चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो अगर आप इसको रोटी के साथ खाए तो भी अच्छा लगता है, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, दोस्त बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।